हेलो स्टूडेंट, एनडीए 1 2020 एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया है और एनडीए अपना यूपीएससी अपना पहले से कैलेंडर डिक्लेयर करता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। फॉर्म फिलिंग के समय क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत अच्छे से ध्यान रखें जिससे आपसे फॉर्म फिलिंग में कोई मिस्टेक ना हो और दोबारा आपको फॉर्म ना भरना पड़े। देखिए, हर साल ऐसा होता है, मैंने पिछले 2 साल से एनडीए के जैसे ही नोटिफिकेशन आता है सेम डे आपके साथ नोटिफिकेशन का शेयर करता हूं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूं। उसके बाद भी कभी कभी आपसे फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक हो जाती है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, एज, इनमें से कोई भी मिस्टेक होने पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे में फिर आप परेशान होते हैं। यह अलग बात है कि एनडीए में ये बोला गया हुआ है कि आपकी अगर फॉर्म फिलिंग में कोई भी इशू आ जाए तो आपका उस फॉर्म फिलिंग में कोई करेक्शन नहीं होगा, पर आप दोबारा नए सिरे से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पर मैं चाहूंगा कि ऐसी नौबत ही ना आए तो बहुत अच्छा है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फॉर्म फिलिंग को लेके और उसके बाद बात करूंगा कि अब अगले 3 महीने किस ढंग से स्टडी करें कि आप अच्छा रिजल्ट दे पाए। सबसे पहले मैं बात करता हूं एनडीए 1 2020 का एग्जाम डेट, जो हमने पहले भी बात करी हुई है, 19 अप्रैल 2020 है। 19 अप्रैल 2020 है, नंबर वन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए मैंने बॉक्स बनाया है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली जैसे ही आप www.upsc.gov.in डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। एक बात मैं बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा, क्या होता है कि जब हम जैसे एनडीए 2 लिखें गूगल पे तो कई सारी वेबसाइट्स खुलती हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, कोई भी एग्जाम जब भी आप फॉर्म फिल करें तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही फिल करें। एटलीस्ट 2-3 टाइम पढ़ें, हो सके तो प्रिंट आउट निकालें, इंपॉर्टेंट चीज को आप हाइलाइटर से हाईलाइट करें और उसके बाद फिल करें जिससे कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए आप किसी भी एग्जाम का देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से पहले कई दूसरी वेबसाइट खुल जाती है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि www.upsc.gov.in पर ही आपको जाके पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपर रीड करनी है, नंबर वन थिंग। अब बात आती है कि एग्जाम फॉर्म कब से फिल होंगे, तो आज 8 जनवरी है, आज से लेकर 28 जनवरी तक आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना है, ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं होते हैं, तो ऑनलाइन आपको फिल करना 8 जनवरी से 28 तक। आप जितनी जल्दी हो सकता है कर दीजिए, आपके लिए अच्छा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें तो अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर कोशिश करें कि ऐसा रखें जो कि चेंज ना हो, क्योंकि अगला कम्युनिकेशन आने वाला इन्हीं पे होता है। और आप देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन में भी रखा है, लिखा हुआ है कि इस चीज का थोड़ा ध्यान रखा जाए कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज ना हो, और पूरे फॉर्म पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही फॉर्म फिल करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एज लिमिट। एज लिमिट को लेके आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एनडीए में ऐसा बोला जाता है कि 16.5 साल से 19.5 साल के लिए एज लिमिट होती है, मैं अभी 19 ईयर 4 मंथ्स का हूं या मैं 16 ईयर 6 मंथ का हूं पर मैं दे नहीं सकता, तो ऐसा क्यों? पहले समझिएगा आप कि आपकी आप बोलने को 19.5 साल बोलते हैं पर एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। उन्होंने एक बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर आप जैसे इस बार के नोटिफिकेशन में एक चीज बोली है, जुलाई से जुलाई तक ही दिया, एक तो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2004 को आप पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। इस डेट के पहले, इस डेट के बाद वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। यानी अगर आप 1 जुलाई को भी हुए हैं, 1 जुलाई 2001 को, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आप 2 जुलाई 2004 को ही पैदा हुए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। तो जो 16.5 साल है उसको ऐसे ना चेक करके उनकी डेट के हिसाब से चेक करिए। इसलिए ये आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और हर बार मैं बोलता हूं कि आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये डेट ऑफ बर्थ भी 10th की मार्कशीट को चेक करी जाएगी। यानी अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे और 10th की मार्कशीट पे एज अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे 5th जुलाई है 2001 और 10th की मार्कशीट में मान लीजिए 1 जुलाई 2001 है, आपने कहा सर मैं तो 5 जुलाई को हूं, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है तो मैं एलिजिबल हूं, पर मैं बोलूंगा नहीं है, क्योंकि 10th की मार्कशीट पे आप 1 जुलाई को हुए हैं और 10th की मार्कशीट को ही वो ऑफिशियल आपका डेट ऑफ बर्थ मानते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट पे आप 1 जुलाई को हैं और 10th की मार्कशीट पे 5 जुलाई को, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, आप यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। यानी जो भी एज है
वो कंसीडर केवल और केवल टेंथ की मार्कशीट को लेके किया जाएगा। तो सबसे पहले दिमाग में रखिए कि जो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2004 बीच में होने की कंडीशन में ही आप एलिजिबल है, इंक्लूडिंग दीज डेज, यानी अब आप 2 जुलाई और उसके बाद से लेके 1 जुलाई या उसके पहले कभी भी हुए हैं तो एलिजिबल है। अब बात आती है कि ये तो हुआ एग्जाम नोटिफिकेशन, क्या केवल फॉर्म भरने से हो सकता है? क्योंकि एनडीए या डिफेंस एक बहुत अलग एग्जाम है, और पिछले ये अभी यहां पर थर्ड बैच स्टार्ट भी हो गया है, फोर्थ बैच, और पिछले 3 बैच के जो रिजल्ट थे वो यहां पर अनबिलीवेबल रिजल्ट है, आपने देखे होंगे, क्योंकि छोटे से बैच से स्टार्ट किया हुआ है और आज इम्पिटस गुरुकुल से क्लासरूम के साथ साथ ऑनलाइन कोर्स में पेनड्राइव से जुड़े थे और अब बच्चे लाइव क्लासेस से भी जुड़ गए। तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा जो मैंने फील की कि अगर आप एनडीए सोचते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर एक सबसे स्ट्रांग चीज है वो होना चाहिए स्ट्रांग एटीट्यूड, क्योंकि एनडीए एग्जाम देने से कुछ भी नहीं होगा। एनडीए एग्जाम का पेपर टफ नहीं होता। अभी देखिए जेई के पेपर्स भी चल रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग जेई भी दे रहे हो, और अगर आप एनडीए दे रहे हैं तो मैं कहूंगा जेई देना भी चाहिए, क्योंकि जेई देने का फायदा यह होता है कि आप जेई के स्कोर से नेवी टेक के लिए डायरेक्ट एलिजिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू जेई परसेंटेज। ऐसे ही अगर आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि 12th अपेयरिंग स्टूडेंट अगर 85% या इससे ऊपर लाता है तो प्रोबेबल चांस टीईएस के थ्रू भी, टेक्निकल एंट्री के थ्रू भी वो जा सकता है डायरेक्ट एसएसबी के लिए। ये एक चीज है। तो अगर आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तो भी मैं आपको कहूंगा कि ट्राई करिए कि 12th में एक अच्छा परसेंट बने। नॉर्मली एनडीए 1 के साथ जो टीईएस होता है उसमें कट ऑफ 84-85 के ऊपर ही जाता है, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपके साथ ऐसा है तो कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले अगर एनडीए सोचते हैं तो आपका एकेडमिक्स तो अच्छा होना चाहिए, बट साथ में आपका एटीट्यूड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे स्ट्रांग और पॉजिटिव होना चाहिए। पहले ये क्लियर होना चाहिए विजन कि मैं क्यों एनडीए में जाना चाहता हूं। देखिए जैसे अगर मैं इस बार एनडीए की बात करूं, एनडीए का एग्जाम लगभग 3-4 लाख स्टूडेंट देते हैं, 418 टोटल सीट्स हैं, पर उनका एक कंसेप्ट क्लियर है कि हो सकता है उनको जो रिक्वायर्ड है अगर वो चीज ना मिले तो वो 418 से कम भी लेते हैं। पहले फेस में इसमें से केवल 7000 से 8000 के बीच में कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट से क्वालिफाइड करते हैं। जो लोग ऑलरेडी एनडीए दे चुके होंगे उनको यह सब पता है, जो फर्स्ट टाइम देने वाले उनके लिए इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि करीब 3 लाख लोगों में से आपको पहले तो 7-8 हजार में नंबर लाना है, फिर उसके बाद आपका स्कोर्स भी मायने रखता है। टोटल जो पेपर होता है वो 900 मार्क्स का होता है। इस 900 मार्क्स में 300 मार्क्स मैथ्स के होते हैं और 600 मार्क्स जीएटी के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब बात करते हैं कि इस 900 में आपका अगर स्कोर अच्छा होगा तो बाद में एसएसबी में फायदा होगा। अब जब आप रिटर्न टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको 5 डेज की एसएसबी के लिए आप क्वालिफाई होते हैं, और आप जब एसएसबी देने जाते हैं तो जब आप एसएसबी से रिकमेंड होते हैं जब आप फाइनली सिलेक्ट होते हैं। अगर हम परसेंटेज आप देखें तो नॉर्मली ऐसा हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से देखें तो 1000 स्टूडेंट में से लगभग 1 स्टूडेंट सिलेक्ट होता है फाइनली, और 7000 में से लगभग 400 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। पहले तो 3 से 4 लाख लोगों ने दिया, उसके बाद ये, यानी फाइनल सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एनडीए नहीं देना चाहिए, इसका मतलब ये है कि अगर हम एनडीए दे रहे हैं तो हमारा विजन, थॉट ऑफ क्लियरिटी बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों डिफेंस में जाना चाहते हैं। और सबसे खास बात है कि डिफेंस में जाने के बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। 12th में आप सोचिए कि आप एनडीए करीब करीब 5-6 टाइम दे सकते हैं, और एसएसबी के लिए डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री हो सकती है, टीएस के थ्रू जा सकते हैं, नेवी टेक के थ्रू, बाई चांस इन सबसे नहीं जाते तो सीडीएस, आगे जाके एफ कैट, ऐसे कई सारे रास्ते हैं। अगर आपने ठान लिया कि मुझे डिफेंस में जाना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, बट उसके लिए आप बहुत पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करें। अगर हम पेपर का लेवल समझें तो मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि मैथ्स में 120 क्वेश्चन होते हैं, जीएटी में 150 क्वेश्चन, इन 150 क्वेश्चन में 200 तो इंग्लिश ही होता है। इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बच्चे जब ये पूछते हैं हिंदी मीडियम वाले कि सर हमारा हिंदी मीडियम है हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, रिटर्न में तो नहीं होगी, पर एसएसबी नॉर्मली इंग्लिश में होता है, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं पर बेसिक इंग्लिश होना चाहिए, लेते भी इसीलिए
200, क्योंकि आप ऑफिसर्स बनने वाले हैं और आपको बहुत सारा काम और बहुत सारे अलग अलग जगह के लोगों को संभालना होगा, आपके पास एक टीम होगी, ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होता है तो उसका आपको एडवांटेज मिलता है। 200 के आसपास जीएस होता है, 100 के आसपास फिजिक्स होता है और 50 के आसपास केमिस्ट्री और 50 के आसपास बायो। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कुछ आ जाता है, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें। यानी अगर आप 12 के साथ एनडीए देने वाले हैं तो जो एक सेक्शन अलग होता है वो है जीएस का, बाकी तो सब वही आपका 11th, 9th, 10th लेवल का फिजिक्स होता है। इवन 11th का थोड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो 9th, 10th का होता है। एनसीईआरटी बुक बहुत यूजफुल होती है, अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। अब बात आती है मैथ्स में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैथ्स। मैथ्स में 120 क्वेश्चन आते हैं, टाइमिंग होता है 2 आवर 30 मिनट। अब 2 आवर 30 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, जितने ज्यादा हाइएस्ट स्कोर होगा और दोनों में जितना हाइएस्ट स्कोर होगा उतना आपको फायदा मिलेगा। अब इसमें क्या किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, अगर कई लोग 80-80, 90-90 कर लेते हैं पर 50-50 गलत कर देते हैं, कुछ लोग 20-30 तक ही जा पाते हैं, एक्चुअल में इसमें एक बैलेंस रखना जरूरी है कि आप 70-80 क्वेश्चन तक रीच बनाए और ऑलमोस्ट सभी राइट हो। उसके लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशन डाले हुए हैं, आप देखिएगा उनको, आप उससे टेक्निक समझ पाएंगे, पढ़ने का स्टाइल समझ पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच समझ पाएंगे, फिर आप कहीं पे भी पढ़े, चाहे आप इम्पीटस गुरुकुल से जुड़े, चाहे आप कहीं भी पढ़े, पर वो टेक्निक जब तक नहीं आएगी, जब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको वो टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी कि कैसे मैथ्स में हम हाईएस्ट अटेम्प्ट कर पाए। तो वो एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैथ्स में ध्यान रखनी है। अक्सर लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, पेपर टफ नहीं होता है, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या है इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना आप मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें कि कट ऑफ के बारे में बताना चाहूंगा मैं, कि जब आप पेपर देते हैं तो मैथ्स में और जीएटी में एक मिनिमम कट ऑफ होता है और एक ओवरऑल कट ऑफ होता है, एक अप्रोक्सीमेटली 25-30% के आसपास का कट ऑफ होता है। और यहां पर भी यही चीज, इसका मतलब यह होता है कि लगभग अगर 25 कट ऑफ हुआ तो मैथ्स में 75 मिनिमम, 30 हुआ तो 90 का आइडिया दे रहा हूं। जीएटी 600 का होता है तो 1, और ये हो गया 30 से 180, राइट? ये स्कोर मिनिमम होता है। और एक होता है मैक्सिमम, जो लगभग हर साल 250 से लेके 350 तक जा सकता है, पर एक अप्रोक्सीमेट अभी हम देखें लास्ट टेंड का, तो 320 से लेके 350 के बीच में हो सकता है। इसका मतलब समझिए क्या होता है कि आपका मैथ्स में, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 25% कट ऑफ गया जो अभी पिछले कई समय से जा रहा है, तो मैथ्स में मिनिमम 75, जीएटी में मिनिमम 150, तो 225, बट इस डजंट मीन कि आप इसके क्वालिफाई हुए। अब 225 के बाद मान लीजिए ओवरऑल कट ऑफ 325 गया, तो आपको 100 नंबर कहीं और से भी कमाने होंगे, या तो 100 नंबर मैथ से कमा लें, मान लीजिए मैथ्स में 175 है और जीएटी में 150 तो भी क्वालिफाई हो नहीं, तो आप जीएटी से कमा लें, या हो सकता है आपके 150 मैथ्स में आए और 200 आपके जीएटी में आए, यानी मिनिमम और एक होता है मैथ्स, दोनों का ओवरऑल। ये बात कई लोगों को नहीं पता होती, तो कई बार आप मैथ्स में स्कोर कम कर पाते हैं और जीएटी में बहुत कर लेते हैं, कभी कभी जीएटी में बहुत हो जाता है और मैथ्स में कम होता है, तो ऐसा नहीं होता। तो मिनिमम और एक ओवरऑल, ये दो कट ऑफ के लिए यहां पर रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ये मान के चलना है, मेरा ये मानना है कि 30% के आसपास कट ऑफ हम देखें तो मैथ्स में 90 नंबर और जीएटी में 180 नंबर। बट जब आप गुरुकुल के साथ जुड़ते हैं या ना जुड़े, तो भी मैं ये कहूंगा कि आपको ट्राई ये करना चाहिए कि मैथ्स में 200 मार्क्स और जीएटी में लगभग 400 मार्क्स के लिए आपकी पढ़ाई का लेवल होना चाहिए। और मैथ्स में तो आप 200 अचीव कर सकते हैं, इनफैक्ट 200 प्लस कर सकते हैं। अभी एनडीए 2 हुआ और यहां पर इम्पिटस के कई सारे बच्चों ने 200 के आसपास स्कोर किया, सोचिए 300 में से 200 स्कोर किया और इसीलिए उनके नंबर्स 480 500 तक आए हैं और उसका फायदा भी उन्हें एसएसबी में मिलने वाला है। तो ये एक चीज है जो आपको समझनी है। अब जीएटी में भी अगर आप बैलेंस पढ़ाई करें तो करीब करीब 100 से 150 नंबर इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश बेसिक लेवल का होता है, 100 से ही 150 के बीच जीएस ट्राई करें
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी 100 के आसपास देखिए लगभग लगभग, अगर हम लीस्ट साइड भी चलें तो 300 ये हुआ, 200 ये, या 500 भी स्कोर कर सकते हैं। तो आपका एम कट ऑफ की तरफ नहीं होना चाहिए, और अगर आप इम्पिटस गुरुकुल को लेकर सोचते हैं तो बिल्कुल क्लियर कि कट ऑफ नहीं, हमें अपने स्कोर को कट ऑफ से डबल करने की कोशिश करना चाहिए, तो कट ऑफ कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ेंगे तो आप 60% का सोचेंगे, पर अगर आप 90% के लिए पढ़ेंगे तो फर्स्ट डिवीजन तो आनी ही है, फिर आपका टारगेट फर्स्ट डिवीजन नहीं होगा। तो इसी पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ाई करिए, जहां पे भी करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप इम्पिटस गुरुकुल से जुड़ना चाहें तो आप इमीडिएटली जुड़ सकते हैं, 13 से आप चाहें तो लाइव बैच के साथ जुड़ जाएं, बहुत अच्छा होगा। उसमें सबसे अच्छा फायदा यह कि आप नहीं आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर रह के ही आप सारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसमें मैथ की लगभग एवरी वीक 5 क्लासेस होती है, मैथ, फिर जीएस, इंग्लिश, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, ये रियल टाइम्स क्लास होती है, तो इनका भी आप एडवांटेज घर पर रहकर कर सकते हैं। एवरी वीक टेस्ट होता है मैथ्स में, ऑलमोस्ट एवरी डे टेस्ट होता है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होता है, और सबसे अच्छी बात है जो टेस्ट पेपर दिए जाते हैं उनका नेक्स्ट डे डिस्कशन भी किया जाता है, तो यानी आपके डाउट भी इमीडिएटली सॉल्व हो रहे होते हैं, ये एक एडवांटेज है। और जो टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, आप कभी भी पुराना कोई भी पेपर उठा के देखें, आपको लगेगा कि बिल्कुल एनडीए में इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये सबसे खास बात है। तो आप चाहें तो लाइव क्लास के साथ, पेन ड्राइव के साथ जुड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बट मैं आपको बोलूंगा, अगर एनडीए सोचते हैं तो इमीडिएटली एक्शन पे आ जाइए, पढ़ाई चालू कर दीजिए, कोई भी नेगेटिव माइंड मत रखिए, पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए। और सारी चीजें मैंने बताई, एक बार लास्ट में फिर बोलूंगा कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ही देखें, जिससे कोई मिस्टेक ना हो। ऑफिशियल वेबसाइट मीन्स upsc.gov.in पर जाके ही चेक करें और उसके बाद फॉर्म फिल करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।